तेरी वार्तालाप हो गई हो तो खड़ी हो ले, और कुछ मांगना है तो मांग ले, फिर चलते हैं ऐसे सुपर कार आने से पहले। हाँ, कि जो तू डिलीवरी पे पहन के जाए नए कपड़े, ऐसा मतलब काम की चीजें, ये थोड़ी है तू शॉपिंग में कार मांग लेगी, तू शॉपिंग में जहाज मांग लेगी। शॉपिंग क्या करेगी? शॉपिंग में तू बैस ले आओगी? बैस भी एक सवाल की आती है। और मिक्की चलते हैं हम, खाना खा लिया तूने? बहुत मेहनत करता है तू, नींद भी पूरी लिया कर, ठीक है? बोलती हूँ मैं चीनू को कई बार, बेचारा रात भर लगा होगा। और ये अमन अमन शूट तो क्या करना है, एक दो और रखने हैं, फिर 1 2 3 4 5 रख देंगे उनके नाम। तो कितने रखने हैं बता दे, अब ढूंढ लूंगी एक आधे और, एक दो और या 3 4? ठीक है। हाँ, एक सफाई के लिए तो ये जाएगा, एक इंस्टा को घुमाने के लिए हो जाएगा, एक शूट पे हेल्प कर देगा। मैं तो सोच रही हूँ मिक्की, मिक्की अपना नाम चेंज कर ले, अमन रख ले। मैं भी यही सोच रहा था। हाँ, सच सही हो जाएगा। अब अलग से बंदे लाएंगे, हमारे पास पहले ही बहुत हैं, तो हम सोच रहे हैं कि सभी अपना नाम करा लेते हैं, इन्हीं का नाम अमन रख देते हैं सबका, ठीक है? जा रहे आंटी आप बैठो, मन तो नहीं कर रहा, बात करते पर जाना पड़ेगा। बैठो बात करते हैं। तू खुद तो फोन में लगा है, आया भी नहीं उधर। किधर? अभी उतनी देर से वही बात कर रहा था आपके साथ। क्या बात की थी? बहुत सारी। मैंने व्लॉग तो नहीं बनाया, टॉप सीक्रेट बात। अच्छा, शादी की बात हो रही थी भैया। शादी की हो गया पक्का? हाँ मान गए, मुझे कह रहे थे। क्या? मुझे कह रहे थे, वैसे मैं बोल नहीं रहा हूँ, उनको शर्म आ रही है, रेडी बैठे हैं। अरे शर्म क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है, क्या पता बोल दिया हो इसके सामने। एक ट्रिक है सच्चाई बुलवाने की। बस वो ये मम्मी कसम खिलवा लो, अभी पता लग जाएगा। जा, बच्चे हो गया, कोई बात नहीं, हम बच्चे, तू खा जा। 24 साल के हो गए और माँ कसम बताओ, बोल लो भाई, मैं अपनी मम्मी कसम नहीं खा। बोला था ऐसे बोल देगा, तब कहीं आते हैं मम्मी कसम, वो तो सच होता है ना फिर। और अभी ये झूठ है, ये झूठ भी नहीं है, तो खा जा मम्मी कसम, ये सच भी नहीं है। ये होगा कि बात चली होगी, नहीं, मतलब कुछ है। अच्छा, मन से बोल रहे हैं अपने, तो चलो कोई नहीं, जब मन हो जब बता देना, कोई नहीं। क्या हो गया? क्या अब वो लड़की खाली थोड़ी बैठ रही है, और क्या है? क्या पता और अच्छा मिल जाए उसको रिश्ता। ऑल द बेस्ट। और फिर और सोचो उसकी शादी हो जाए, फिर अब लड़की देखो, और लड़की हो हुर की परी, फिर क्या करोगे आप? कोई बात नहीं, क्या हो गया भाभी हमारी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, साफ बता दिया उसने, ऐसा कुछ नहीं है। तो वक्त बताएगा भाई। और सोचो वो किसी शादी में, कौन सी हीरोइन की शादी नहीं हुई थी? हीरोइन की? सोचो ज्यादा बोल रहा है, कैटरीना की ज्यादा बोल रहा है, तो हो गई विक्की कौशल। अच्छा मुझे नहीं पता, मिक्की नहीं है, विक्की है, किसी शादी नहीं हुई, मिक्की में मिक्की सुना मेरे को, विक्की है, विक्की विक्की कौशल। अच्छा विक्की कौशल नहीं है, विक्की कौशल है। तो विनय अब जा रहे हैं हम पक्का, जब नहीं मतलब जब हम बोल रहे थे पर गए नहीं काफी देर से, अब चीनू का शूट पूरा हो गया, अभी ले लिया उसका सीन। प्रैंक कर रहे हैं? नहीं प्रैंक नहीं है, सच में वो कह रही थी कि कल होगा मेरा शूट, पर अभी बोल रही है कि मेरा हो गया, तो चलो ठीक है, अब हम बोल नहीं सकते। आप तो ये बोल रहे ठीक है आंटी, जब आपका मन करे ना तब जाना, क्योंकि वही है भाई, ये हमारा विनय है देखो, सीधा सा लड़का। और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है विनय। सारे सीधे हैं आप। अच्छा ठीक है, मतलब कोई ज्यादा कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा कौन है आंटी आप बताओ। मतलब तुम सही लगते हो बात करने में, मतलब सॉफ्ट, एक ये मेरे को लगता है कि मेरी बात ध्यान से सुनता है विनय, मैं घर पे भी बोलती हूँ ये सब, मैं तो स्टार्टिंग से ऐसा हूँ। हाँ, कि सुनता है बात को, समझता है, फिर रिप्लाई भी करता है कि ऐसे वैसे जैसा भी देना हो बात को समझ के, तो सही लगता है। ऐसे ही आंटी, ऐसा होना भी चाहिए, ऐसे ही ऐसे ही बनो कि कोई तुम्हें अकेले में भी याद करे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो मेरे को सही लगता है। और हाँ संस्कार, ये बात मम्मी ने अच्छी बातें सिखा रखी है तुम्हारी, तो अगर तुम्हारी मम्मी सुन रही हो तो थैंक यू विनय को अच्छे संस्कार देने के लिए। देखो काम तो आ ही रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना? और ये हमारा अमन शूट, अमन शूट, ये भी अच्छा लड़का है, अपनी जगह सब अच्छे हैं, ये भी बहुत मजाक करता है, हंसाता है,
सही है, बढ़िया लगता है। तो चलो निकलते हैं बस, ठीक है? बाय बाय। तेरी वार्तालाप हो गई हो तो खड़ी हो ले, और कुछ मांगना है तो मांग ले, फिर चलते हैं। नहीं बस ये बोल रही थी कि मुझे रक्षाबंधन पे याद आएगा। इसने एक ब्लॉग में बोला तो था, पता है ये क्या बोल रही? अब बोल। हाँ, तो नहीं बोला था कि जो वो बोलेंगी वो दूंगा। क्या चाहिए? पूछूंगा। क्या चाहिए? तो फिर मैं नहीं हूं। तो इसने बोला था कि पूछेगा तो मैं उसको बोलूंगी कि पूछ मेरे से क्या चाहिए मुझे। क्या कह के पूछवावे? तो तूने पूछा ही नहीं। तो रक्षाबंधन आ गई वे। ठीक है तो जब पूछो। कि भाई बता देना के लेगी बता। मेरे को शॉपिंग करा दे। कपड़े? हाँ। कर लियो। क्योंकि और तो सब कपड़े नहीं है, मतलब कपड़े नहीं है। हाँ तो शॉपिंग करा दूंगा। उल्टी ऐड फेड चीज मांगती तो मना करता। ऐड फेड चीज का बोला? हाँ कपड़े ले लियो। हाँ मुझे कपड़े। कब? कब? सुपरकार आने से पहले। ऐसे सुपरकार आने से पहले। हाँ कि जो तू डिलीवरी पे पहन के जाए नए कपड़े, ऐसा? ठीक है चल लियो। बीच में चल लेंगे, जिस दिन भी फ्री होंगे कराऊंगा। कल तो नहीं, अभी वीडियो डाल लूं। ये 15 अगस्त की वीडियो डालू फिर चल लियो। तूने एक चीज और बोली थी, 12 मिलियन की पार्टी या मूवी दिखाने मूवी दिखानी थी। हाँ तो जिस दिन एक दिन फ्री हो लेता हूँ ये वीडियो डाल के, उसी दिन फिर उसके बाद कपड़े वपड़े भी ले लेगी चीनू, मूवी भी देखने चल लेंगे उसी दिन। एक ही दिन में? हाँ। या अलग अलग दिन? शाम को शॉपिंग। मैं नहीं बोला कि कपड़े लेऊंगी, मैंने बस इतना बोला शॉपिंग करूंगी। शॉपिंग क्या करेगी शॉपिंग में? तू बैस लेकर आओगी? बैस भी एक 1.25 लाख की आती है। और फिर दूध पिएगी उसका। शॉपिंग में सब कुछ आ गया जो मतलब काम की चीजें, ये थोड़ी है तू शॉपिंग में कार मांग लेगी, तू शॉपिंग में जहाज मांग लेगी। बस तो फिर मैंने ना एक बात बताऊं, ये बात तो पक्का ना रेड ले रहा है। मैंने ना एक रेड कलर का सूट सिलवाया है। फिर वो सूट तेरे लाल कलर की गाड़ी में लत्ता मारेगी? नहीं जब वो माइक्रो फाइबर है ना, वो बहुत चिकना कपड़ा है। बढ़िया गाड़ी साफ होगी ना उससे? नहीं वो जब आ जाएगी ना मैं वो सूट पहन के वीडियो बनाऊंगी। बस तुझे मेरी वीडियो बनानी है अच्छी सी, ऐसे बोल रही थी। मैं बनाऊं वीडियो? अच्छा नहीं बना सकता। अच्छी रील बनानी है मतलब उसकी? बना दूंगा। ठीक है हो गया तेरा डन, बढ़िया हो गया तेरा। तूने तो सारी हाँ भरवा ली। मैं तो इतने लत्ते लिए, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। और लत्ते लेगा फिर एक जैसे लेते चला जाएगा। अभी इसके पास इतने कपड़े, तू कम खरीदा कर। जैसे तेरे को इवेंट पे जाना था तू एक या दो खरीदता, फिर गाड़ी की उसके लिए तू अलग खरीदता। नए खरीदे है ना ये, तो ऐसे है कि शूट पे काम आ जाएंगे मेरे सारे। वो सारे एक जैसे लग रहे हैं देखने में। मम्मा पता है अभी भैया के अलमारी में इतने कपड़े हैं, मैं उनमें से 4-5 जोड़ी ले जाऊंगी। इसको पता भी नहीं चलेगा ये पक्का है। ये बस वहाँ देख के बोलता है ये मेरा है। अभी मना कर रहा पीछे से, तू ले ले चल, मैं नहीं बताऊंगी इसको। फिर मैं वैसे नहीं पता लग जाएगा जब पहनने की। तो पहनूंगी जब तो ले जाएगी पहनने के बाद। मतलब पहन तो लेगी वो भी, सही कह रही है। तेरे को पता तो होता नहीं कुछ। अरे वैसे ही ना दे देता हूँ मैं। अभी जब यहाँ से हम खाली करेंगे अलमारी वगैरह तब आसान हो जाएगा ना निकालना। अभी कंफ्यूजन सी रहेगी क्या निकालूं क्या नहीं। चल ठीक है ऐसे मान ले फिर है। और सिब्बू तू अलमारी कब खाली करेगी? मैं कह रही थी आंटी इससे मांगने का फायदा है नहीं। ये अलमारी कह रही हूँ, ये मेरे में क्या करोगे आप? मैं तो पूछ रही हूँ। मेरे में सब जो चाहिए ले लो, सब खुला है। ठीक है कुछ लेना है तो चीनू ले सकती है। फिर आप भैया को फोन कर दियो, मत बोलना चीनू से कपड़े लाओ। मैं ये बोलती हूँ जो मुझे पहनने होते हैं कि ये वाला ले आना। हाँ, ये पहन ले जा रही ले जाओ। तो गाइस अभी हमने नींबू पानी बनवाया है तो भाई ठंडा नहीं है? सही है ठंडा, नॉर्मल। ठीक है बढ़िया बढ़िया। कैसा है तू आ जा अंदर चल। देखो अब सिब्बू के कहने पे आएगा और जाएगा। बोरा पट्टा पट्टा ले चल, अंदर चल पट्टा ले आ, नहीं पट्टा लाएगा जा। चलो जल्दी आओ, पट्टा ही नहीं उठा। आओ जल्दी आओ, चलो 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 भाई चलो भाई चलो अंदर। वाह बुला ले देख लो लिफ्ट में। ओए इधर आ, इधर आ, ओ पट्टा तो ले ले इधर। हाय बेचारा इधर आ, इधर चल अंदर। ए मम्मी बुरा भी लग रहा है ऐसे। चल इतना अच्छी बात घर आए ना, तेरे को पानी से नहलाऊंगी कुछ कर दे ठीक है। चल इसको नीचे घुमा ला मतलब, आ जा चला। ये छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, इसको रख नीचे छोड़ी से। ये चचा ये छोड़ जा छोड़ी से, ऐसे आ चला जा जा ऐसे आ ऐसे इधर आ इधर आ चल।
चलो चलो, बदबू सी आ रही है जैसे कुछ मरा पड़ा है। सीढ़ियों पे इन्हें पता नहीं क्या कबाड़ कर। प्लीज हम जा रहे हैं इंस्टा पर देखो। आ जाइए। बाय भैया। बाय। ये देख लो इंस्टा, बाय नहीं कर रही, नहीं तो रोएगा फिर। ठीक है ठीक है, चल बाय कर दे। चल गाड़ी के साथ ना भाग ले। ना भागे। ठीक है बाय इंस्टा। बाय। ये रहा। नहीं आया पीछे। हां वो रचित खड़ा था ना। ये तो आ गया। भैया का खौफ है ना उसमें। तो गाइज अभी गाड़ी में सीएनजी खत्म हो गई है और अभी हम पंप पे पहुंचे हैं, तो सीएनजी ले लेते हैं। और चीनू तो सो रही है, इसको अभी उठाऊंगी मैं। मेरे को खुद भी नींद आई हुई थी और थोड़ा बहुत ही सोई मैं। तो एक बार सीएनजी डलवा लेते हैं फिर घर के लिए निकलते हैं। काफ़ी लेट हो गए हैं हम यहीं पे, और घर जाके खैर काम तो कुछ नहीं है, बस जाके सोना है। देखो नींद में कैसी हालत हो गई है, बिल्कुल ऐसे आँखें ऐसे बड़ी बड़ी हो गई है नींद में आके। चलो एक बार सीएनजी ले लेते हैं। तो गाइज हम घर पर पहुंच गए हैं और टाइम हो रखा है 2:30 बजे हुए हैं और अभी सोएंगे, कुछ नहीं करेंगे। बस एंड करना जरूरी था व्लॉग का, कई दिनों से एंड भी नहीं कर रही, टाइम ही नहीं मिल रहा। चीनू कह रही है कि एंड तो कर दो कम से कम। तो चलो आज मैंने मम्मी के हाथ में जबरदस्ती फोन पकड़े हैं, एंड करो व्लॉग को, एंड करो एंड करो। तो गाइज चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तो चलो गाइज सो जाते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, चैनल को सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करो। ठीक है आप लोग भी सो जाओ, हम भी सो जाते हैं। गुड नाइट। हौसला बुलंद रखो, सपोर्ट करो। बाय।